हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की, कुछ लोग चाहते थे कि मैं इस वॉशिंग मशीन का रिव्यू दूं और साथ ही बताऊं कि इसे ऑपरेट कैसे करते हैं और मेंटेन कैसे रख सकते हैं। मेरे पास ये वॉशिंग मशीन पिछले 8 ईयर से है और अभी तक मुझे एक बार भी इसे रिपेयर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप राइट वे में यूज़ करते हैं तो वो लॉन्ग लाइफ चलती है। तो ये है इसका मेन पार्ट, यानी कि वॉशिंग टब, जिसमें एक बार में 15 to 16 क्लोथ्स आराम से आ जाते हैं, क्योंकि ये IFB की 7 kg मशीन है तो 7 kg वेट को आराम से मूव कर सकती है। लेकिन कपड़े बड़े छोटे भी हो सकते हैं, तो सिंपल फार्मूला ये है कि हमेशा मशीन को 70 to 80% ही फिल करें ताकि क्लोथ्स को अच्छे से मूव करने के लिए स्पेस मिल जाए। नेक्स्ट है डिटर्जेंट ट्रे, और इसके 3 सेक्शंस हैं। मेन सेक्शन जिसमें हम डिटर्जेंट फिल करते हैं, अगर आप ड्राई डिटर्जेंट फिल करते हैं तो 1 स्कूप, अगर लिक्विड सोप यूज़ करते हैं तो 40 to 50 ml डालना है। सेंटर पार्ट कंफर्ट या जो भी परफ्यूम आप यूज़ करते हैं उसके लिए है। एंड थर्ड सेक्शन प्री वॉश के लिए, जैसे कुछ बहुत डर्टी क्लोथ्स होते हैं, कर्टन्स वगैरह, तो उसके लिए 1/2 स्कूप यहाँ पर एक्स्ट्रा डालना है। और यहाँ हैं इसके सारे प्रोग्राम्स, जहाँ से अपना रिक्वायर्ड प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद ही हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। हर प्रोग्राम पे फैब्रिक और टेम्परेचर मेंशन है, अलग से आपको टेम्परेचर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे जैसे हम फैब्रिक ऑप्शन पे सेलेक्ट करते जाएंगे, वैसे वैसे उसमें लगने वाला टाइम स्क्रीन पर शो होता रहेगा। जैसे डेली वॉश के लिए 40 डिग्री टेम्परेचर पर टाइम 1.5 आवर का सिलेक्ट होता है। मिक्सड फैब्रिक के लिए भी 40 डिग्री टेम्परेचर टाइम 1 आवर 6 मिनट्स। वूलन क्लोथ्स के लिए 30 डिग्री टेम्परेचर टाइम 54 मिनट्स के लिए। डेलिकेट्स जिसमें आपके पार्टी वेयर वगैरह आते हैं, उसके लिए मशीन 30 डिग्री टेम्परेचर पे 50 मिनट्स तक वॉश करेगी। क्विक वॉश में सबसे लेस टाइम यानी कि 33 मिनट्स लगता है। और अगर आपने क्लोथ्स बाय हैंड वॉश किए हैं और सिर्फ स्पिन ड्राई करना है तो टाइम 9 मिनट्स का होगा। बाय हैंड सोप लगाने के बाद रिंस एंड स्पिन करने के लिए 14 मिनट्स का प्रोग्राम है। होता तो नहीं है, लेकिन अगर कभी मशीन में पानी रह जाए तो ड्रेन के लिए 2 मिनट का ये प्रोग्राम है। स्टेन वाले क्लोथ्स के लिए 40 डिग्री टेम्परेचर पे 2 आवर 32 मिनट्स का प्रोग्राम। स्टेन के लिए एक और प्रोग्राम है 60 डिग्री टेम्परेचर पे 2 आवर 22 मिनट का। इसी तरह से वाइट्स, जीन्स, मिक्स्ड, कलर्ड, हर तरह के क्लोथ्स के लिए डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मशीन स्टार्ट हो जाए तो डिले स्टार्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें कंटिन्यूसली क्लिक करते रहने से आप 24 आवर्स तक का टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे 3 आवर्स का डिले स्टार्ट ऑप्शन चूज़ किया है। उसके अलावा स्पिन, प्री वॉश, रिंस, होल्ड एंड ईजी आयरन जैसे प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। बेटर रिजल्ट्स के लिए वॉशिंग मशीन की डीप क्लीनिंग आफ्टर एवरी 6 मंथ्स कर लेनी चाहिए। डिटर्जेंट ट्रे को क्लीन करने के लिए पहले आप सेंटर से थोड़ा सा प्रेस करके इसे रिमूव कर लें, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उसे भी निकाल लें। इस तरह करने से आप इसके हिडन एरियाज को भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ट्रे निकाल लेने के बाद पीछे के एरिया की गंदगी भी आपको साफ नज़र आ जाएगी, पार्ट्स वही अच्छे से क्लीन होंगे जो नज़र आएंगे। क्लीनिंग करने के लिए एक बकेट में हॉट वाटर, जिसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट ऐड करेंगे और स्क्रब या ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से क्लीन करेंगे। अगर काफ़ी टाइम से आपने क्लीनिंग नहीं की है तो बेकिंग सोडा, विनेगर और डिश वॉश सोप का एक पेस्ट रेडी कर लें, उसका यूज़ करने से क्लीनिंग और भी बेटर हो जाएगी। हॉट वाटर एंड डिटर्जेंट में एक क्लोथ को डिप करके उससे हम बाकी का एरिया भी क्लीन करेंगे। ऊपर के पोर्शन को क्लीन करने के लिए आप ब्रश की हेल्प ले सकते हैं। सोप से क्लीन करने के बाद क्लीन क्लोथ का एक वाइप एंड ट्रे के ड्राई हो जाने के बाद उसी वे में यानी कि सेंटर से हल्का प्रेस करके उसे फिक्स कर दें।
रबर सील को अगर आप हर वॉश के बाद क्लीन एंड ड्राई करते हैं तो इसे ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर आपकी रबर सील पे डर्ट ज़्यादा है तो सोपी क्लोथ से या टूथब्रश से क्लीन किया जा सकता है। मशीन के बॉटम पार्ट को ओपन करने के लिए किसी की हेल्प ली जा सकती है। इसमें एक छोटी सी पाइप होती है जिसे ओपन करेंगे तो वेस्ट वाटर बाहर आ जाएगा। पूरा पानी निकल जाने तक वेट करें ताकि कोई भी गंदगी इसमें बाकी ना रह जाए। उसके बाद हम इस कैप को ओपन करेंगे और इसे भी अच्छे से क्लीन करेंगे। अगर क्लोथ में से कुछ कॉइन्स या बटन्स गिर जाते हैं तो वो आपको यहीं पे ही मिलेंगे। अब बारी आती है मेन पार्ट यानी कि टब को क्लीन करने की, क्योंकि इसके इंटरनल पार्ट्स में फंगस और बैक्टीरिया लगा रहता है। उसके लिए इस तरह के क्लीनिंग पाउडर्स मार्केट में या ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। इस पूरे पैकेट को आपने डायरेक्टली टब में ही डाल देना है और सबसे हॉट साइकिल पे मशीन को चला देना है। अगर इस तरह का कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता है तो भी किचन की दो आइटम से आप अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। उसके लिए 2 स्कूप फुल बेकिंग सोडा जिसे आप ट्रे के मेन पार्ट में डालेंगे और 2 कप्स ऑफ विनेगर जिसे टब में डालेंगे और सबसे हॉट साइकिल पे चला देंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं टिप्स ऑफ डेली क्लीनिंग। क्लोथ्स को वॉश करने के बाद एक क्लीनर से आप इसको साफ कर सकते हैं, जिसमें कि 1 part vinegar, 1 part water, 1/2 spoon बेकिंग सोडा एंड 1/2 spoon डिश वॉश सोप। इसका एक स्प्रे और एक वाइप। ड्राई होने तक ट्रे को ओपन ही रहने दें। इसी तरह से टब के डोर, रबर पाइप और टब को अंदर से ड्राई क्लोथ से अच्छे से ड्राई करना है और काफ़ी टाइम तक इसको खुला ही छोड़ दें, जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। उसके बाद इसको आप कवर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।